फर्स्ट विल डू कॉमन नेम एंड देन विल डू आईपीसी नेम ईथर का कॉमन नेम कीटोन की तरह ही है uh, यहाँ पे भी मिथाइल है यहाँ पे भी मिथाइल है और ये बीच में ईथर है सो so, इसका कॉमन नेम है डाय मिथाइल ईथर अभी तो नेक्स्ट वाला यू ऑल ट्राई देखो इस तरफ मिथाइल है और इस तरफ इथाइल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा या फरान करेक्ट मोहम्मद करेक्ट प्रियांशी करेक्ट तुबा करेक्ट रोनित करेक्ट ओके या इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल इथर अल्फाबेटिकली ई पहले लेना है ओके ना नेक्स्ट वन चलो थर्ड वाला ट्राई करो हाँ फरहान वेरी गुड हाँ मोहम्मद प्रियांशी श्रेयांश कीटोन नहीं है रोनित करेक्ट हाँ तुबा करेक्ट ओके डाई इथाइल इथर है डाई इथाइल इथर दोनों तरफ इथाइल है तो इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल इथर चलो नेक्स्ट वन हाँ रोनित वेरी गुड फरहन गुड हाँ मोहम्मद करेक्ट प्रियांशी प्रोफाइल कौन सा है वो लिखना है प्रोफाइल के आगे प्रिफिक्स श्रियांश करेक्ट या करेक्ट हाँ एक तरफ मिथाइल है और ये एन प्रोफाइल है जिसका नाम हो जाता है मिथाइल एन प्रोफाइल इथर लास्ट वन हाँ या वेरी गुड श्रेयांश करेक्ट फरान करेक्ट रोनित करेक्ट प्रियांशी वेरी नाइस मोहम्मद करेक्ट ओके अभी इसको दो तरीके से नाम दे सकते हैं अगर हाँ तूबा ऑल्सो करेक्ट आइसो प्रोफाइल लिखोगे तो आइसो प्रोफाइल पहले आएगा पर सेक लिखोगे तो मिथाइल पहले आएगा सो इट इज मिथाइल सेक प्रोफाइल इथर और मिथाइल ईथर चलो ये कॉमन नॉमन क्लेचर कॉपी करो फिर आयुपीसी बता रहा हूं कॉपी डाउन कॉमन नॉमन क्लेचर डू आई पी सी Okay, now we see we'll do IUPC for this. IUPC main को बुलाते हैं अल्कोक्सी अल्केन. Now जो smaller group है ना that is अल्कोक्सी and the bigger one is अल्केन. अभी देखो यहाँ पे ये मिथाइल के साथ एक ओ ले लेंगे तो ये पूरा ग्रुप हो जाएगा मिथॉक्सी और ये parent एक ही कार्बन का है इसलिए उसका नाम मीथेन. तो इसका नाम हो जाता है मिथॉक्सी मीथेन. ओके okay? अभी देखो ये मिथॉक्सी छोटा है और ये इथेन बड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन ठीक है अभी देखो यहाँ पे ये दो कार्बन है सो दिस इज इथॉक्सी एंड द पेरेंट अल्किन इज ऑल्सो इथेन तो इसका नाम हो जाता है इथॉक्सी इथेन अभी देखो यहां पे देर इज मिथॉक्सी यहाँ पे भी देर इज मिथॉक्सी ये भी प्रोपेन है ये भी प्रोपेन है परिथॉक्सी ग्रुप इज अटेस्ट कार्बन नाम हो जाएगा प्रोपेन हाँ मिथॉक्सी एंड प्रोपेन ही वन मिथॉक्सी फॉर आय पी सी में यू टू गिव नंबरिंग वन मिथॉक्सी प्रोपेन अभी देखो यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप है एंडेस्ट चेन इज ऑफ थ्री कार्बे अभी नंबरिंग नीचे से भी दे सकते हो ऊपर से भी दे सकते हो सो एनी वे वील गिव नंबरिंग टू एंड थ्री तो ये ग्रुप इज अटैच ऑन सेकेंड कार्बेन तो इसका नाम हो जाता है टू मिथॉक्सी प्रोपेन या वेरी गुड श्रेंश चलो आयु पी सी कॉपी करो कॉपीसी देन वील डू वन मोर कंपाउंड स्ट्रक्चर ऑन दिस आस्था तुम्हारा कुछ मिस हुआ आस्था यू इट ऑल ओके फिर से ध्यान दो आईपीसी नेम इज अलॉक्सी अल्केन द स्मॉलर ग्रुप इज अलकॉक्सी एंड द बिगर वन इज अल्केन यहाँ पे बोथ आर सेम तो एक को मिथॉक्सी लेना है एक मीथेन अभी यहाँ पे ये छोटा है तो ये मिथॉक्सी है और ये बड़े वाले को हम इथेन बुलाएंगे यार बोथ आर सेम अगेन सो वन ग्रुप बिकम्स इथॉक्सी एंड अदर वन इज इथेन यहाँ पे दोनों तरफ मिथॉक्सी छोटा है

दिस वन ट्राई चलो पहले कॉमन नेम ट्राई करो दोनों तरफ कौन से अल्काइल ग्रुप है वो बताओ एंड देन गो अल्फाबेटिकली हाँ प्रियांशी पर ऑर्डर गलत है फरान ऑर्डर गलत है या प्रियांशी करेक्ट ना रोनित करेक्ट वेरी गुड मैंने बोला था एन सेक और टर्ट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं कंसिडर करना है या मोहम्मद करेक्ट श्रेयांश करेक्ट तूबा करेक्ट ओके ये टर्ट ब्यूटाइल है और ये मिथाइल है तो टर्ट हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए नहीं कंसिडर करते तो ब्यूटाइल मिथाइल में पहले कौन आएगा ब्यूटाइल तो इसका नाम हो जाएगा टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल इथर अभी आयू में लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो और फिर अल्कोक्सी अल्केन या तो कोई सब्सटीट्यूंट है वो देखो ट्राई आयुपीसी नेम नहीं फरहान देखो लॉन्गेस्ट चेन तीन कार्बन की हो जाएगी वन टू एंड थ्री द लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ थ्री कार्बन ये मिथॉक्सी ग्रुप है और ये मिथाइल है सो so, मिथॉक्सी और मिथाइल दोनों बाहर है और पहले मिथॉक्सी आएगा तो क्या नाम हो जाएगा बताओ नहीं रौनित नंबरिंग गलत है प्रियांशी रॉन्ग फरान आल्सो देखो तुमको पता है लंबे पेरेंट अल्केन इज ऑफ थ्री कार्बन प्रोपेन या मोहम्मद वेरी नाइस मोहम्मद करेक्ट फरान टू मिथॉक्सी टू मिथाइल मिथोक्सी इज ऑन सेकेंड मिथाइल इज ऑन सेकेंड एंड पेरेंट अल्केन इज प्रोपेन so two methoxy two methyl propane priyanshi got it thuba praneet samajh aaya 2 methoxy और देखो लंबी चेन ना chain is of three carbon ऐसे लोगे तो भी three आएगा ऐसे जाओगे तो भी three आएगा so you have to select longest chain numbering upar se do niche se do it will come second only तो मिथोक्सी सेकेंड कार्बन पे है मिथाइल भी सेकेंड कार्बन पे तो इसका नाम हो जाएगा टू मिथोक्सी टू मिथाइल एंड द पेरेंट चेन इज ऑफ थ्री कार्बन प्रोपेन सो टू मिथोक्सी टू मिथाइल प्रोपेन और अल्कोक्सी हमेशा पहले लिखना है जैसे हेलोजन हम हमेशा पहले लिखते थे हेलो अल्केन यहाँ पे अल्कोक्सी अल्केन तो ये प्रिफिक्स में आते हैं इथर और अमाइन में सफिक्स आता है कीटोन में सफिक्स सफिक्स मतलब पीछे प्रीफ़िक्स मतलब आगे समझा यहां तक प्रियांशी नहीं समझा सर समझा समझा ओके okay, ओके okay, ओके okay. हाँ चलो नेक्स्ट वाला करते हैं फंक्शनल ग्रुप Uh, ये अमाइंस हमने जो किया था उसमें हमको सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस भी करना है पर दे आर क्लेचर इज लाइक कीटोन एंड ईथर सो वी आर डूइंग इट नाउ ये है थर्ड थर्ड फंक्शनल ग्रुप का बी पार्ट सेकेंडरी अमाइंस उनका जनरल रिप्रेजेंटेशन है आर एन एच आर डैश एन एच इज एन इमाइन ग्रुप ओके और उनका मॉलिकुलर फॉर्मूला है सी एन एच टू एन प्लस थ्री एन अभी देखो इसको सेम जैसे हमने ईथर और कीटोन का नॉमन क्लेचर किया था ना वैसे करना है दोनों तरफ मिथाइल है तो इसका नाम हो जाता है डाई मिथाइल अमाइन अभी इसका नाम तुम लोग बताओ सेकेंड वाला या श्रेयांश वेरी नाइस फरान करेक्ट या मोहम्मद करेक्ट प्रियांशी करेक्ट या रोनी दिन तू बॉल्सो इथाइल मिथाइल अमाइन चलो अब ये थर्ड वाला ट्राई करो हाँ फरहान वेरी गुड प्रियांशी करेक्ट मोहम्मद करेक्ट या वेरी नाइस रोनित श्रेयांश, ओके यहाँ पे मिथाइल है और ये एन प्रोपाइल है मिथाइल एन प्रोपाइल अमाइन ठीक है अभी देखो आयुपीसी भी बता देता हूँ फिर साथ में कॉपी करना अभी इसमें एक को पेरेंट लेना है अभी ये मिथाइल नहीं होता तो इसका नाम होता है मिथेन अमाइन पर ये मिथाइल नाइट्रोजन पे लगा हुआ है तो यहाँ पे हम कैपिटल एन यूज करते हैं एन मिथाइल से ध्यान दो अगर एक मिथाइल नहीं होता तो इसका नाम होता पर ये मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन से कनेक्टेड है तो कैपिटल एन इंडिकेट करता है कि यूज करते हैं कैपिटल एंड मतलब द लिंक द अल्काइल ग्रुप इज ऑन नाइट्रोजन इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल मिथेनामाइन चलो सेकेंड वाला तुम लोग बताओ जो बड़ा अल्काइल ग्रुप है वो पेरेंट है ओके दिस वन इज पेरेंट हाँ वो हाइड्रोजन नहीं एक्चुअली एन ऐसा है ना दिस एच इज आउटसाइड ये तीन बॉन्ड होने चाहिए ना इसके तो हम लोग ऐसा एब्रीवेट करके लिखते हैं ओके पर समझा देर आर थ्री बॉन्ड सो दिस हाइड्रोजन इज ऑन दी टॉप अभी देखो ये कार्बन भी अगर हम कर ये कार्बन कार्बन से कनेक्टेड है और हम तो लिखते सी एच टू सी थ्री ना ओके या हा एन जो छोटा वाला है वो सब्सटीट्यूट होना चाहिए तुबा एन मिथाइल ये मिथाइल छोटा है तो एन मिथाइल इथेन अमाइन ओके मेनी ऑफ योर लाइव रिटर्न करेक्ट हाँ ऑल ऑफ योर लाइव करेक्ट ओके एन मिथाइल इथेन अमाइन ऐसे ओके okay? अच्छा अभी ये वाला लास्ट वाला ट्राई करो पहले समझो ये मिथाइल नहीं है तो ये पेरेंट का नाम क्या है अगर ये मिथाइल नहीं होता तो ये पेरेंट अमाइन का नाम क्या हो जाएगा हाँ हाँ सब लोग ने करेक्ट लिखा है पर एक थोड़ी मिस्टेक है मैंने क्या बोला अगर ये मिथाइल नहीं होता तो इसका नाम प्रोपेन वन अमाइन होता और अब ये मिथाइल नाइट्रोजन पे लगा हुआ है तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल प्रोपेन वन अमाइन ओके एन मिथाइल प्रोपेन वन अमाइन लगाओ यहां पर वन अमाइन डोंट राइट ओनली प्रोपेन अमाइन ओके क्योंकि लंबी चेन अभी ये प्रोपेन ब्रांच भी हो सकता है तो एन मिथाइल प्रोपेन वन अमाइन राइट डाउन दिस दिस वे चलो कॉपी डाउन दिस एन मिथाइल प्रोपेन वन अमाइन